जय माता दी, जय मां कामाख्या। 30 जून 2022 गुरुवार को रात्रि 1:07 से 1 जुलाई सूर्य उदय तक गुरु पुष्य अमृत योग है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मोती की माला से, सफेद मोती की माला या समुद्री मोती होते उनकी माला से, वो डुप्लीकेट मोती नहीं होना चाहिए प्लास्टिक के, गुरु मंत्र का जप करता है तो उसपे संपूर्ण 27 नक्षत्र के देवता प्रसन्न होते हैं। और चूंकि नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र मुख्य है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, तो पुष्य नक्षत्र जो होता है वह समृद्धि देने वाला होता है, संपत्ति बढ़ाने वाला होता है। इस दिन बृहस्पति गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति को जो है उसको किसी ने देखा तो नहीं है, परंतु अपने गुरु को ही जो बृहस्पति मान करके उनकी पूजन अर्चन करें और मन ही मन में ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ऐम बृहस्पते नमः ये मंत्र बोल करके उनका जप कर लें। गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग में बरगद के पत्ते पर यानी बड़ के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें, इससे भी समृद्धि आती है। गुरु पुष्य योग में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, गुरु पुष्य योग में सहवास भी नहीं करना चाहिए, गुरु पुष्य योग में गृह प्रवेश भी नहीं होता है। यानी गुरु पुष्य योग में सिर्फ गुरु महाराज की कृपा प्राप्त की जाती है जप तप के माध्यम से। शिव पुराण में भी इस बारे में कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति माना गया है, तो पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से भयंकर दोष भी समाप्त हो जाते हैं और निष्फल हो जाते हैं। यानी जिनके जीवन में बहुत कष्ट है पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार, उन्हें यह जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है इसमें पूरी रात भर जप करना चाहिए। तो जो खराब समय होता है वह भी पुष्य नक्षत्र में जप तप करने से समाप्त हो जाता है और पुष्य नक्षत्र के अनुसार फिर वो फलदायी हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, पुष्य नक्षत्र जो है सर्व सिद्धि कर है, यानी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। पुष्य नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति पितरों को श्राद्ध करता हो तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, यानी ऐसी तृप्ति होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में पितरों की पूजा भी करना चाहिए और पिंडदान तर्पण भी करना चाहिए। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में पितरों को तर्पण करता है, पिंडदान करता है, उसको जो व्यक्ति करता है उसे धन की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है। तो जिनके यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न है उन्हें पुष्य नक्षत्र में पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण अवश्य करना चाहिए। यह एक मौका अभी वर्तमान में दिया है ईश्वर की तरफ से कि 30 जून 2022 को गुरुवार की रात को 1:07 से 1 जुलाई सूर्योदय तक गुरु पुष्य अमृत योग रहेगा। इसमें आप गुरु महाराज का जप करें, गुरु के द्वारा लिए गए गुरु मंत्र का जप करें, हवन भी आप कर सकते हैं और गुरु पुष्य योग में जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनको पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए, जिससे वंश वृद्धि हो सकती है। और इस गुरु पुष्य योग में किया गया जप तप ध्यान दान पुण्य जो है महाफलदायी होता है। और मैं पुनः एक बार और बोल दूं कि गुरु पुष्य योग में विवाह नहीं होता है, गुरु पुष्य योग में सहवास संभोग भी नहीं किया जाता है,
यानी स्त्री के साथ रमण नहीं किया जाता है। गुरु पुष्य योग में मांस मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्यक्रम किसी भी प्रकार का जिसमें मंगल होता अपन झूमते हो वो मांगलिक कार्यक्रम वर्जित होते हैं। ये भी बहुत गलत धारणा बाहर फैला रखी है बहुत से मनुष्यों ने जिनको ज्ञान नहीं है, अनाड़ी व्यक्ति कह लीजिए, कि वो कहते हैं कोई भी अच्छा काम करना हो गुरु पुष्य योग में कर लो, दुकान का उद्घाटन करना गुरु पुष्य योग में कर लो, जबकि ये दुकान का उद्घाटन भी नहीं किया जाता है। घर गृह गृह प्रवेश भी नहीं करते हैं, खुदाई का काम नहीं करते हैं। ये शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में अध्याय 10 में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदू सनातन धर्म को भूल चुके हो, तो आपको यह ज्ञान कराना हमारा कर्तव्य था। हमने यह आपको ज्ञान दे दिया, अब इस ज्ञान का जीवन में प्रयोग करें या न करें आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है कि इस ज्ञान को लेना है या अपने बच्चों को भी देना है या नहीं देना है। क्योंकि यदि आप हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो यह धर्म जीवित रहेगा, अन्यथा यह धर्म अब धीरे धीरे अंतिम सांसें ले रहा है। तो वापस इस धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आपको हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो गुप्त ज्ञान है वह बताने का कार्य देवराधा ट्रस्ट कर रही है अपने लेवल पे। और आप देवराधा ट्रस्ट को यदि कोई सहायता करना चाहते हैं तो देवराधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई किताबों को खरीदें, ताकि उसकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पहुंचा सके, ताकि वापस सनातन धर्म का स्थान सुरक्षित हो सके और वह संबल बन सके, मजबूत बन सके। और आप भी इस देवराधा ट्रस्ट के द्वारा दिए गए हिंदू सनातन धर्म के ज्ञान को यदि प्रयोग करते हो तो जीवन में आप भी सुखी जीवन प्राप्त करोगे, अन्यथा दुख तो होना ही होना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।